अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। चलिए यहाँ से रतलाम से जो है निकलते हैं अभी, क्योंकि अभी टाइम जो है पाँच बज रहा है अभी सुबह के। सर्दी बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से, नीचे जाके जो है ना चाय वाय पियेंगे। चाय पीने के बाद निकलेंगे इधर से, 16 घंटे गाड़ी चलाना है, 16 घंटे के बाद सीधा पहुँच जाएंगे घर। वैसे अभी कोई गुजरात जाने वाली गाड़ी आई थी इधर। हाँ, सब चेकिंग हो गया है, कुछ भी सामान बचा नहीं है, सब निकल गया। अभी हम करेंगे चेकआउट। चल, कल जहाँ पिए थे वहीं चाय पियेंगे। अभी भैया मैं इस पे डाल रहा हूँ कंबल सीट पे, ये नरम रहे। और ये होटल थी अपनी, 300 रुपया पर नाइट। चलते हैं वहाँ पे। चलो भाई, चाय वाय तो मैंने पी लिया है, बहुत अच्छी चाय बनाता है ये, बहुत अच्छी चाय। कल तो मैं 2 चाय पिया था इधर। अभी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो कल तो अल्लाह। रेलवे एरिया, रेलवे बस्ती बोलते हैं इसको इधर रतलाम में, रेलवे बस्ती। सर्दी बहुत ज़्यादा है लाला, ये यहाँ की लोकल बसें हैं, पूरा रेलवे एरिया रेलवे। देखो गाड़ी खड़ी है एक। ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी नजर का फितूर है, तूने मुझको जीना सिखा दिया। अरे पानी का बोतल गिर गया रे। पानी का बोतल नहीं गिरना चाहिए, पानी का बोतल गिरेगा तो कैसे चलेगा लाला। ये मिल गया पानी का बोतल। पानी का बोतल गिरेगा ना तो फिर दूसरा पानी का बोतल खरीदना पड़ेगा। वैसे अजमेर से भर के रखा हूँ पानी, अभी तक तो मैं भरा नहीं, अभी तक और पिया भी नहीं पानी, ज्यादा बहुत कम पानी पिया। अंधेरा कायम रहे, देखो अंधेरा कितना हो गया इधर। इधर लाइट रह के भी लाइट चालू नहीं है। अभी सीधा रतलाम से जो सिटी के अंदर से जो है ना बाईपास वाली रोड पे निकलना पड़ेगा, यानी कि जो हाईवे है वो रोड पे। कितना दूर है मेरे को याद नहीं है, छोटा सा पंप देखकर बहुत है यहाँ पे। ये पहुंच गए भैया हाईवे रोड पे, ये हाईवे है। इधर जाएंगे तो सीधा अजमेर जाएंगे यानी कि राजस्थान, और इधर जाएंगे तो सीधा हम जाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, चलो महाराष्ट्र तेलंगाना यहाँ से शुरू करते हैं, मिलेंगे आगे जाके। पेट्रोल की कमी हो गई थी, सामने इंडियन पेट्रोल में गया तो वहाँ बंद था भैया। अभी HP में आया हूँ, यहाँ देखते हैं चालू है कि नहीं। पहले फोन पे कर देता हूँ पैसा। अभी सुबह के 6:30 टाइम हो रहा है। अभी यहाँ से इधर जाएंगे, जैसे ट्रक जा रही है तो इंदौर जाएंगे। अभी हमको इधर जाना है दार हाईवे, दार मंडू गुजरी पठा ऐसा कुछ नाम है।
ये दार हाईवे बता रहा है। सोया था अलार्म लगा के, अलार्म अभी जो है 6:30 बजे का अलार्म बार 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 बज रहा है। कितनी बार हो गया अभी तक। ओ भाई साहब, बजाज बजाज का यही है। जब भी कुत्ते दिखते हैं ना मेरे को बहुत डर लगता है कुत्तों से। यहाँ पर एक रोड पे खड़ा हुआ है। सर्दी भी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या बताऊँ अभी मैं। ये साले इधर ही आ रहा है। रेडी खड़ा हुआ है वो। जिला पुरात, ये धार में खिला है। अंदर बंदी छोड़ बाबा की शेर की समाधि ऊपर है, कहते शेर की समाधि। जय दत्ता बंदी छोड़ खिला है, बहुत बड़ा खिला है। अभी सुबह सुबह तो कोई एंट्री नहीं मिलेगा। In 200 meters at the roundabout, continue straight onto Madhya Pradesh State Highway 31. ये देखो खिला। अभी मेरे को लगता है आगे चल जाऊंगा।
क्या खतरनाक मोड़ों से उतर रही भाई गाड़ी, खतरनाक मोड़ थे पूरे एकदम डेंजर वाले। सामने देखो पहाड़ एकदम डाउन में जा रहा हूँ पूरा। एकदम पूरा डाउन में जा रहा हूँ। यहाँ कोई गांव है इतना पहाड़ के अंदर, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है। वैसे मैं अभी तक जो है ना मध्य प्रदेश में ही घूम रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र नहीं पहुँचा। महाराष्ट्र बॉर्डर पता नहीं अभी और कितना टाइम लगेगा। यहाँ से महाराष्ट्र पहुँच गया तो समझ जाओ मैं तेलंगाना पहुँच गया जैसा हिसाब हो जाता मेरे लिए। लेकिन महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी जगह जो पहुँचना चाहिए यार, और डगल रही है बंडी देखो इतनी ऊँचाई पर। अभी लगता है यहाँ से फिर ऊँचा चढ़ना पड़ेगा। अभी तक नीचे उतरे हैं, फिर यहाँ से फिर चढ़ना है ऊपर। भैया लोग अभी हम पहाड़ी क्रॉस करके आ गए हैं। ये काली घाट करके कुछ नाम है ये एरिया का, यहाँ पर है गंगा। अब ये नदी का नाम मेरे को नहीं पता कौन सी नदी है। कि उधर एक ब्रिज है, पानी तो दबा के है इसमें, और वो साइड से जो ब्रिज जा रही है वो, और ये जबरदस्त बहुत बढ़िया। सर्दी तो यार कमी नहीं हो रही है। अभी टाइम देखो तकरीबन 8:05 टाइम हो रहा है, अभी तक भी दबा के सर्दी हो रही है, दबा के। खारेगांव मुंबई, यहाँ से और 13 चलना पड़ेगा मेरे को तो मैं पहुँच जाऊँगा तेलंगाना। यानी तेलंगाना पहुँचने के लिए 13 चलना पड़ेगा। दोनों भी टी से आ रहा है। वो भाई बस मैं परेशान हूँ तो सर्दी से परेशान हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और हवा की आवाज़ भी ज़्यादा आएगी। मैं कहीं रोक करके थोड़ा नाश्ता कर लेना चाहता हूँ। अभी कहीं रोक करके भैया हमको नाश्ता करना ही पड़ेगा, क्योंकि भूख जो लग गई है ना, भूख लगी है, नाश्ता तो बनता है।